अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद मुबशिर फान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द बीटीसी अपडेट्स। और यहाँ पे बीटीसी के अंदर एक पंप आ चुका है जिसमें हमारे पास मार्केट 19,400 से 19,800 की तरफ आ गई है। इसको भी आजकल के ज़माने में हमें एक बड़ा पंप कहना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमें ये पंप्स भी देखने को नहीं मिलते क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड कर रही है, जिसमें ये हो रहा है कि मार्केट हमारे पास एक उसमें ही चल रही है, मतलब 18,800 से हमें सपोर्ट मिलती है। अब तो वो भी खत्म हो गया, बल्कि अब तो 19,200 से सपोर्ट मिलती है और 19,400 से रिजेक्शन। लेकिन 400 वाले जो रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक, अब काफी लोग बोल रहे हैं कि सर क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा चलो यार यहाँ पे मैं आके थोड़ा सा वीडियो में समझा देता हूँ। बाकी हाँ, अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यूट्यूब पर मैं पूरे दिन की वीडियो आके अपलोड करता हूँ, लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर पर मैं अगर जैसे ब्रेकआउट हुआ है, कोई न्यूज़ आई है, अब वो आके मैं अलग से यूट्यूब पर तो आके बताऊंगा नहीं ना, उसको बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन कोई अर्जेंट न्यूज़ आई है, एक सेकंड पहले हुआ है, अगले सेकंड में आपको वो डिस्कॉर्ड पर अपडेट कर दूंगा। तो डिस्कॉर्ड सर्वर आप जरूर ज्वाइन कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि यहाँ पे किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार ही, ताकि आपको बार बार आना ना पड़े। अब आप आओ, वन डे का चार्ट खोलो और डिसेंडिंग ट्रायंगल को सही से ड्रॉ करो, ठीक है, बल्कि डिसेंडिंग ट्रायंगल छोड़ दो। अभी आप यहाँ से इसको सही से जो ट्रेंड लाइन हमारे पास चलती हुई आ रही है, जो कि हमें रिजेक्शन दे रही है, जैसे मैं पहले यहाँ से रिजेक्शन दी, ठीक है, देन यहाँ से रिजेक्शन दी, देन यहाँ से रिजेक्शन दी, और अभी हम वापस इसी मेन पॉइंट पर यहाँ से रिजेक्शन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं, 2018 की तरफ चलते हैं, तो जब ये बनी थी चीज़ पहले भी, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने डंप किया था, ये हमारे पास बनता है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, लेकिन इनवैलिड भी हो जाता है अगर मार्केट यहाँ पे हमारे पास कुछ अच्छा रिएक्ट करती है, ठीक है। ये जब बना था तो मार्केट यहाँ पे डंप हुई थी। अगर ये आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ आपको सीखना चाहते हो कि ये चीज़ें किस तरीके से फॉलो होती है, क्रिप्टो लर्न करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ, ठीक है, जिसके लोग आपसे $200, $300 मंथली चार्ज करते हैं जूम क्लासेस के, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक मिनट की रील के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप 3 महीने तक उसको सीखोगे तो आप बहुत अच्छा आप कुछ अपना एनालिसिस सीख पाओगे, अगर आपको किसी प्रीमियम की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, लास्ट टाइम भी यही हो रहा था कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन चल रही थी जो कि हमें यहाँ पे बार बार रिजेक्शन दे रही थी, ठीक है, रिजेक्शन दे रही थी, तो लास्ट टाइम को एक दफा फेकआउट भी हुआ, लेकिन फेकआउट होकर वो अंदर आ गए और रिजेक्शन मिलती, हम डंप कर गए। ये जो सपोर्ट थी ये ब्रेक हो गई, ये सपोर्ट बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह इस वक्त हमारे पास $18,800 वाली सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, ये वाला जो एरिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि यार यहाँ पे अब आपको क्लियरली विजिबल हो गया एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट है 18,500, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 19,800 है, इसको ब्रेक करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री क्या हो सकती है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अब गौर से देखो। सबसे पहले आप आओ यहां पे, आपने जो एरिया दिमाग में रखना है वो रखना है $20,100 वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया 20,100 में। बता देता हूं, लोग कहते हैं कि सर आप कहते हैं यहां से ऊपर चला जाए तो बाय कर लेना, नहीं, अब सुन लो, ठीक है, 19,800 से लेकर $20,100 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर ये एरिया हमारे पास 4 आवर्स के चार्ट, चलो आप खोलो, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल बहुत ही आसानी से, कोई मसले बात नहीं। देखो अभी तक इसने ब्रेकआउट किया नहीं है, अभी अंदर ही हम लोग, ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, सॉरी, ओके, 20,100 एग्जैक्ट ही आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाके हमारे पास एक 4 आवर्स की जो क्लोजिंग हो ना, वो यहाँ पे ऊपर हो जाए, मतलब जैसे 4 घंटे की आपको टाइमर नजर आ रहा है साइड में, ये जो कैंडल है एक 4 आवर्स ही ऊपर क्लोज होने दो, ठीक है, क्लोज होके अगर ये रिटेस्टमेंट यहाँ से कर रही है या तो यहाँ से करके पंप हो रहा है ना, अगर पंप आना स्टार्ट हो गया है तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले लो विथ स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि ये एक फेकआउट भी हो सकता है। फेकआउट में क्या होता है, मार्केट ऊपर गई, रिट्रेसमेंट करके ऊपर भी आ रही है, लेकिन क्या हो गया, वापस डंप करके अंदर चली गई, और क्या पता डिसेंडिंग ट्रायंगल वैलिड हो जाए और यहाँ पे हमारे पास मार्केट आप सबका पैसा लेके निकल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी समझा करो, वापस बता देता हूँ, ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट हो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके पंप हो रहा है, आप क्या करो, आप यहाँ पे एक एंट्री लो, आपको जो स्टॉप लॉस हो वो इसके अंदर आए, और आपकी टीपी जो वो यहाँ तक भी हो सकती है। पहला टारगेट मैंने आपको बता चुका हूँ, हर बार आपका पहला टारगेट होना चाहिए 21,800, 22,500, देन आपका थर्ड टारगेट होना चाहिए यहाँ पे $25,000, जो लास्ट टारगेट होगा वो $28,000 तक जा सकता है, क्योंकि CME गैप है, वो मैं इस चीज़ को ऑलरेडी अपडेट जो वो कर चुका हूँ। अगर तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर क्या होता है कि मार्केट ऊपर चली जाती है, रेजिस्टेंस रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आपने कोई एंट्री नहीं लेनी, आपने जब तक कोई एंट्री जब तक हमारे पास ब्रेकआउट नहीं हो जाता, इससे पहले आपने क्या करना है, जस्ट वेट करना है, मार्केट यहां पे डंप भी कर सकती है और रिट्रेसमेंट लेके और नीचे जा सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको परफेक्ट एरिया बता दिया, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर लो। भी मैंने डिस्कॉर्ड में कोई चीज अपडेट इसलिए नहीं की क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आपको आके अच्छे तरीके से डिटेल में यहां पे समझा दूं ताकि आप कोई गलती ना करो। जब एंट्री लेनी होगी ना बीटीसी का, अच्छा सा ब्रेकआउट हो जाएगा, रिट्रेसमेंट हो जाएगी, तब मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर में जो मार्केट अपडेट्स वाले सेक्शन है वहां पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक आ जाए, अगर आपको डेली प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, बीटीसी के अपडेट्स
तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप डेली प्रॉफिट बनाना चाहते हो और 6-10% कवर करना चाहते हो, हम इस बेयर मार्केट के अंदर डेली अलहमदुल्ला 9-10% प्रॉफिट यहाँ पे बुक करें। कल हम लोगों ने पीस टेक से वापस से 10% प्रॉफिट बुक किया। टोटल इस मंथ हम लोगों ने 20 कॉल्स दी हैं और 20 कॉल्स में से हमारी अलहमदुल्ला 17 कॉल्स हिट हुई हैं, 2 के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और अभी हमारी इस वक्त एक कॉल जो है वो एक्टिव है जो कि इस वक्त चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी अपनी टीपी जो है वो हिट कर देगी। इस वक्त हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग करके हम लोग ओनली कुकॉइन पर ट्रेड करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि सर आप कुकॉइन पर ट्रेडिंग क्यों करवाते हैं। कुकॉइन पर ट्रेडिंग कराने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि वहाँ पर बिटकॉइन की मैनिपुलेशन नहीं है। बाइनेंस पे क्या है, बाइनेंस पे अगर बिटकॉइन 90,800 पे अभी आप जाके बाइनेंस पे ऑल्ड कॉइन्स देखो वो सारे 5-6% ऊपर होंगे। अब बिटकॉइन यहाँ पे क्या करेगा, मैनिपुलेशन करता है, फेक आउट करता है, बीटीसी नीचे का सारे के सारे ऑल्ड कॉइन 10-12% नीचे के गिरेंगे और इस बीच हमारे 4-5% के स्टॉप लॉस की कोई औकात नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम लोग बिटकॉइन एक तो स्टक हुआ हुआ है तो बाइनेंस पे सॉरी कुकॉइन पे ऐसे कॉल्स कॉइन्स हैं जिसको बिटकॉइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले बिटकॉइन यहाँ पे इवन के जब हमने आपको अभी रिसेंटली फ्री ग्रुप में हमने आपको एक सिग्नल दिया था एफकॉन का, ये देख लो आपके सामने एफकॉन मैंने आप लोगों को दिया था। आप जाओ यहाँ पे हम डिस्कॉर्ड में फ्री सिग्नल्स भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एफकॉन का सिग्नल दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो हाँ, तो ये हमने सिग्नल दिया था एफकॉन बाय करना, आपने हमने इसकी टीपी दी थी 435-480 और इसने अपनी दूसरी टीपी तक हिट किया और मार्केट देखो टीपी हिट की और ये गेनर्स में था। और उस वक्त बिटकॉइन आपको पता है क्या हो रहा था, बिटकॉइन $19,500 से रिजेक्ट होकर $18,800 पर आ रहा था। तो कुकॉइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने प्रीमियम में डेली कुकॉइन की ट्रेडिंग कराते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो मोर देन $150 है ना तो आप हमारा प्रीमियम जरूर ज्वाइन करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आप 3 मंथ या 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन अपने प्रॉफिट से बाय कर रहे होंगे। ठीक है, कुकॉइन में हम लोग स्पॉट ट्रेड आते हैं, आपका पोर्टफोलियो $150 के अबव होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो $150 के अबव नहीं है तो आप थोड़ा वेट करो, डिस्कॉर्ड की हमारी फ्री कॉल्स को फॉलो करो। आप लोगों के लिए बहुत जल्द बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है। ठीक है, मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता, ये इंशाल्लाह मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद ही करूंगा। अगर आपने क्रिप्टो लर्निंग करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। बाकी अलहमदुल्ला ऐसी वीडियोस डेली आपको मार्केट अपडेट्स तो हमारे प्रीमियम आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी और बस कनेक्टेड रहो हमारे साथ, आपको बिल्कुल अप टू डेट रखेंगे किस तरीके से एंट्री लेनी है। मैंने आपको हर सिचुएशन में बचाया, इवन कि जो इतना बड़ा डंप आया ना, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत पहले कवर की हुई है। ये जो बिटकॉइन यहाँ पे हमारे पास इस सपोर्ट को ब्रेक करके, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, इस सपोर्ट को जो ब्रेक करके बीटीसी यहाँ पे घिरा था ना, जब बीटी $40,000 पे था उस वक्त मैंने सबको एग्जिट करवाया था। वो वीडियो भी पड़ी हुई, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी अटैच कर दूंगा। मैंने इमरजेंसी आके एक मिनट की वीडियो बताई थी, मैंने कहा था कि यार यहाँ पे बियर फ्लैग बन रहा है मार्केट में, कोई आपने नई एंट्री नहीं लेनी, अगर आपकी कोई एंट्री है भी ना तो उसको स्टॉप लॉस लगा के कवर कर लो। फिलहाल अभी बीटीसी की बात करें तो उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी ऑफिशियली, ब्रेकआउट का वेट करें, होगा रिट्रेसमेंट होगी। मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पर अपडेट कर दूंगा, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और हमारी कम्युनिटी के साथ आप अप टू डेट हो जाओ। ठीक है, आप अटैच हो जाओ हमारे साथ, मतलब आ जाओ। ठीक है, सो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।